दोस्तों, क्या आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है पर प्लास्टिक सर्जरी से डर लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ऐसा है तो आज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन का सारा डर छूमंतर हो जाए। क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी आंख छोटी तो नाक टेढ़ी दिखती है, स्किन का कलर कभी ज्यादा डार्क तो कभी ज्यादा व्हाइट लगता है, लेकिन जैसे इन्हें कोई प्लास्टिक सर्जरी का सुझाव देता है ये लोग बेहद डर जाते हैं और मना कर देते हैं। और इसकी वजह है प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों को न पता होना और बहुत सारे मिथ। कई लोग तो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में ये सोचते हैं कि सर्जरी में प्लास्टिक का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम प्लास्टिक सर्जरी है, पर सच इससे बिल्कुल अलग है दोस्तों। दरअसल प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है शरीर के किसी हिस्से को ठीक करना। चूंकि सर्जरी के पहले जुड़ा प्लास्टिक ग्रीक वर्ड प्लास्टिको से आया है और ग्रीक में प्लास्टिको का मीनिंग होता है बनाना या तैयार करना। अब प्लास्टिक सर्जरी से हाथ ट्रांसप्लांट से लेकर चेहरा, नाक, आंख, ब्रेस्ट और यहाँ तक कि अपना कलर भी चेंज करा सकते हैं। अगर आप में से किसी ने खून भरी मांग मूवी देखी है तो आपको पता होगा कैसे मूवी में प्लास्टिक सर्जरी की मदद से एक्ट्रेस रेखा का चेहरा ठीक किया गया था। और सिर्फ मूवीज ही क्यों दोस्तों, रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारी हीरोइन है जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज करवाई है। राखी सावंत से लेकर मलाइका अरोड़ा, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, जोनस, तब सब ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। एक वक्त था जब शायद हमारी पर्सनैलिटी उतना मैटर नहीं करती थी, लेकिन आज के वक्त कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपका नॉलेज और पर्सनैलिटी दोनों ही मैटर करता है, भले ही वो कोई भी फील्ड हो। और शायद ये हम सबकी खुशकिस्मती ही है कि हमारे वक्त में ये टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ गई है कि हमें नापसंद चीजों के साथ रहना जरूरी नहीं है। क्यों, है ना सही बात दोस्तों? आज की हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्लास्टिक सर्जरी तो करवाना चाहते हैं पर इसके बारे में ना पता होने से वो इसे कराने से पीछे हट जाते हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि अगर आपने एक भी पार्ट मिस किया तो हो सकता है आपकी आड़ी टेढ़ी नाक वैसे की वैसे ही रह जाए। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी क्योंकि इस प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही शुरू हो चुकी थी। हेराल्ड क्राइस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों, आप भले ही यकीन ना करें पर इस प्लास्टिक सर्जरी ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी को संवारा है। आपको बता दे, इसमें आपके जांघ के पास की स्किन को निकालकर वहां पर लगाया जाता है जहां पर प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत होती है। आजकल तो नया टेक्निक भी आ चुका है, आप चाहे तो उसे प्लास्टिक सर्जरी का दूसरा वर्जन भी कह सकते हैं, जिसमें इंजेक्शन की हेल्प से आपकी बॉडी में सिलिकॉन डाल दिया जाता है। मात्र सिर्फ इस इंजेक्शन से आपको वो बॉडी आराम से मिल जाती है जो आप चाहते हैं। बात अगर चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में करें तो कई बार मोटापे की वजह से या बढ़ती उम्र में हमारी स्किन थोड़ी लूज हो जाती है, जिसकी वजह से हम थोड़े अजीब दिखने लगते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स आपके चेहरे में मौजूद ज्यादा स्किन को काट कर निकाल देते हैं और उसके बाद स्टिच कर देते हैं, जिससे आप फिर से जवान और सुंदर दिखने लगते हैं। इसके साथ ही आजकल एक नया ट्रेंड बना हुआ है बट की सर्जरी का, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं की कर्वी फिगर हर किसी को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि कर्वी फिगर में ब्रॉड बट फैशन में है और यही ट्रेंड बॉलीवुड में पहुंच गया है। इसलिए लगभग हर महिला को ब्रॉड बट पाने का पैशन सवार है। नतीजाजन बट सर्जरी का ट्रेंड आजकल जोरों पर है। आपको शायद नहीं पता होगा, बट सर्जरी को ब्राजीलियन बट लिफ्ट सर्जरी के नाम से भी जानते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राजीलियन महिलाओं के बट बड़े और अट्रैक्टिव व कर्वी होते हैं। दरअसल इस सर्जरी में होता यह है कि शरीर के किसी भी हिस्सों में जहां पर ज्यादा फैट होती है उसे निकालकर बट में सर्जरी के माध्यम से भरा जाता है, जिसके बाद बट को बड़ा और सुडौल आकार दिया जाता है। अब ऐसे में आपको लोगों के दिमाग में ये बात तो जरूर आ रही होगी कि अगर हम पतले हैं तो फिर ये सर्जरी हमारे लिए तो नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप पतले हैं तो आपके शरीर में चर्बी है ही नहीं, तो डॉक्टर सर्जरी से आपके बट में सिलिकॉन के बॉल्स डाल देते हैं, जिसके बाद आपको आपके हिसाब का बट साइज बड़े आराम से मिल जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों, एक्ट्रेस सनी लियोनी और नोरा फतेह ने बट प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। इसके बाद आते हैं दोस्तों ब्रेस्ट प्लास्टिक सर्जरी पर। इस सर्जरी में सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ब्रेस्ट इम्प्लांट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है,
साथ ही सर्जरी से काफी बारीक निशान आते हैं और सिर्फ हल्के 2-3 टांके पड़ते हैं। होता ही है दोस्तों कि बहुत सी फीमेल छोटे ब्रेस्ट की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। कुछ लेडीज तो ऐसी भी हैं जो ये सोचते हैं कि ब्रेस्ट सर्जरी के बाद उनके ब्रेस्ट नकली जैसे दिखेंगे, पर असलियत कुछ और ही है। बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन इस बात को मानते हैं कि आप जिस भी प्लास्टिक सर्जन से अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाती है वो आपके लिए बिल्कुल सही इम्प्लांट का साइज, आकार और प्रकार चुनते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं ताकि वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल फिट हो। सर्जन ब्रेस्ट इम्प्लांट का सही साइज और उसकी प्लेसमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स पर ध्यान देते हैं ताकि वो कंफर्म हो पाए कि आपका ब्रेस्ट नेचुरल दिखे, नकली नहीं। इस सर्जरी में सिलिकॉन बॉल का यूज किया जाता है जिसे सिलिकॉन शेल की कवरिंग में भरा जाता है। सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट ऐसे सिलिकॉन शेल होते हैं जो सिलिकॉन जेल से भरपूर होते हैं। ये नेचुरल तरीके से आपको फायदा पहुंचाता है, जैसे ये प्राकृतिक रूप से आपको चमक देता है और इसमें झुर्रियां भी कम पड़ती हैं। इसके प्रोसीजर की बात करें तो आपके ब्रेस्ट को नीचे की तरफ से थोड़ा सा कट किया जाता है, जिसके बाद इसमें सिलिकॉन के बॉल डाले जाते हैं और फिर उस पर टांके लगा दिए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों, सिलिकॉन जेल सिलिकॉन ऑक्सीजन से बना हुआ पॉलीमर होता है। इस सिलिकॉन के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे ये हाई टेम्परेचर में भी स्टेबल रहता है और इसके अलावा ये एजिंग, सूरज की रोशनी और नमी में भी वैसे ही रहते हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, बिपाशा बसु, सुष्मिता सेन और आयशा टकिया ने अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाए हुए हैं। इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे दोस्तों, बचपन से लेकर अभी तक आप में से बहुत से लोगों ने बात जरूर सुनी होगी कि उनकी नाक टेढ़ी है, चिपटी है और भी बहुत कुछ। अगर सुना है तो कमेंट सेक्शन में बताना। पर आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका कभी एक्सीडेंट हो गया होगा, जिसकी वजह से नाक का शेप चेंज हो गया, इससे उनका फेस काफी ज्यादा खराब दिखने लगता है। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि अट्रैक्टिव चेहरे के लिए नाक की खूबसूरती बहुत ज्यादा मायने रखती है। शायद यही वजह है कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाक की ज्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। प्रोसीजर की बात करें तो डॉक्टर आपके नाक के अंदर को कट लगाते हैं और इस कट को आपकी नाक की हड्डी और कार्टिलेज के बीच में बनाया जाता है। कट के बाद हड्डी और कार्टिलेज को अलग कर दिया जाता है। आपके नाक के कार्टिलेज को बदलने के बाद नाक को नया आकार मिल जाता है। इस सर्जरी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 100 में से 99 केस हमेशा सक्सेस होते हैं, साथ ही इसका खर्चा भी कम होता है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं आपको नाक की सर्जरी करानी है तो हिचकिचाइए मत। आजकल मोटापा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हर कोई फेस कर रहा है, चाहे वो बूढ़ा हो बड़ा हो। लेकिन अब परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप प्लास्टिक सर्जरी से अपने मोटापे को आराम से खत्म कर सकते हैं। इस प्रोसेस में अलग अलग तरीके से पेट का आकार कम किया जाता है। डॉक्टर्स आपकी बॉडी में एक इंजेक्शन देते हैं जिससे आपको भूख कम लगती है और शरीर में कम खाना जाता है। इसमें शरीर जमी हुई चर्बी यानी फैट का यूज शारीरिक कामों के लिए करने लगता है और तेजी से आपका वजन कम हो जाता है। कभी कभी फैट को कम करने के लिए भी सर्जरी की जाती है, जिसमें डॉक्टर्स आपके पेट से एक्स्ट्रा चर्बी निकाल देते हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं। एक्स्ट्रा चर्बी निकालने के बाद ये स्टिचेस लगा देते हैं और फिर आपका कमरा कमर बन जाता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि प्लास्टिक सर्जरी हर बार खूबसूरती के लिए होती है, पर ऐसा नहीं है। विकलांगता को ठीक करने में भी इन प्लास्टिक सर्जन की बड़ी भूमिका होती है। खैर, अगर हम प्लास्टिक सर्जरी के फायदों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपका वो खराब या बदसूरत अंग आपके अनुसार या आपकी ख्वाहिश जैसा दिखने लगता है। इससे आपके चेहरे और शरीर में खूबसूरती आ जाती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, साथ ही वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्या अब आप प्लास्टिक सर्जरी कराने के बारे में सोचेंगे, कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूरी कर देना।